कैंपियर कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड विद माय एब्जेट स्किल। एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में मुकोदा और फेल एक ऐसे रास्ते से गुजर रहे होते हैं जहाँ पर गिफ्रन और ऑर्थरस के टेरिटरीज है, और ये सुनने के बाद मुकोदा काफी ज्यादा डर जाता है और वो बोलता है ये दोनों ही तो बॉस लेवल मॉन्स्टर है। और मुकोदा की ऐसी हालत देखकर फेल बोलता है तुम कुछ ज्यादा ही डर रहे हो, क्योंकि उन मॉन्स्टर की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो मुझसे आकर लड़े, और अगर वो लड़ने आते भी है तो उनको डर का मतलब नहीं पता होगा। लेकिन फिर भी मुकोदा की हालत काफी ज्यादा बुरी हो जाती है और वो फेल को बार बार बोलता है हमें दूसरे रास्ते से चलना चाहिए। और अब यहाँ पर फेल मुकोदा को इस रास्ते से इसलिए लाया था क्योंकि ये एक शॉर्टकट था। फिर कुछ देर आगे चलने के बाद बहुत सारे ऑर्थरस मुकोदा और फेल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। फेल मुकोदा को बोलता है कि तुम सुई को लेकर पीछे छुप जाओ। इसके बाद मुकोदा सुई को लेकर झाड़ियों के पीछे छुप जाता है। फिर फेल उन ऑर्थरस को बोलता है क्या तुम लोगों को मौत से डर नहीं लगता। फिर एक ऑर्थरस फेल के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन फेल एक अटैक के मदद से उस ऑर्थरस को बहुत ही इजीली मार देता है, और मुकोदा फेल का ऐसा अटैक देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर फेल बचे हुए ऑर्थरस को बोलता है कि जल्दी से तुम भी यहाँ से भाग जाओ, और वो ऑर्थरस डर के मारे वहाँ से भाग भी जाते हैं। फिर सुई बोलता है कि अंकल फेल बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। फिर मुकोदा बोलता है मैंने जो अटैक किया था उसका नाम है रेंडिंग क्लॉज, और फिर वो अपने स्किल के बारे में बताने लगता है। लेकिन मुकोदा तो फेल की तरफ ध्यान ही नहीं देता, और वही सुई भी मुकोदा से बोलता है क्या मैं भी ऐसा स्किल कभी भी सीख पाऊंगा। मुकोदा बोलता है तुम्हारे पास क्लॉज नहीं है ना तो तुम नहीं सीख पाओगे, लेकिन तुम घबराओ मत क्योंकि तुम बहुत ही अच्छा एसिड जो फेंकते हो। और फिर मुकोदा सुई को बहुत ही ज्यादा प्यार करना शुरू कर देता है, और इस बात की वजह से फेल बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाता है। देन अगले सीन में मुकोदा जो है वो अभी भी बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है, और फेल मुकोदा से बोलता है तुम अब भी इतना ज्यादा क्यों डर रहे हो। मुकोदा बोलता है कि क्या तुम भूल गए कि कुछ समय पहले क्या हुआ था। फेल बोलता है कि तुम अब बस भी करो ऑर्थरस और नहीं आएंगे, क्योंकि पिछले फाइट के बाद वो जान गए हैं कि असली बॉस कौन है। तुम मुझे ये बताओ कि खाना कब तक बनेगा। ये सुनने के बाद मुकोदा बोलता है तुम बात को मत घुमा, तुम जल्दी से जो बैरियर है उसको और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाओ क्योंकि ये अभी भी उन्हीं का ही टेरिटरी है। इसके बाद सुई बोलता है कि मुझे बहुत ही जोर से भूख लगी है। फिर जो मुकोदा है वो सुई के पास जाकर उसको बहुत ही ज्यादा प्यार करना शुरू कर देता है, और मुकोदा इसको देखकर काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और बोलता है तुम मुझको और सुई को इतना ज्यादा डिफरेंटली क्यों ट्रीट करते हो। फिर मुकोदा खाना बनाना शुरू कर देता है और वो एक ब्लैक सर्पेंट बनाता है, और मुकोदा तो उसका मीट बहुत ही जल्दी बना भी लेता है, और ये खाना काफी ज्यादा टेस्टी बना होता है जिसकी वजह से फेल और सुई बहुत ही ज्यादा खाना खा लेते हैं। और फेल तो बोलता है कि मुझे और चाहिए। फिर मुकोदा उठकर और 3-4 बार बनाता है। इसके बाद फेल और सुई मिलकर सारे मीट को खत्म कर देते हैं, और मुकोदा के लिए सिर्फ थोड़ा ही मीट बचता है, और वो उस मीट को लेकर सैंडविच बनाकर खाता है। इसके बाद ये लोग फिर से ट्रैवलिंग शुरू कर देते हैं, और ट्रैवलिंग करते करते फेल अचानक से रुक जाता है और वो बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब बात है। फेल ने कुछ हीलिंग मशरूम देख लिया होता है, और वो मुकोदा को बोलता है इस मशरूम से मेडिसिन बनता है, लेकिन तुम चाहो तो इसको कच्चे भी खा सकते हो, इस मशरूम से इंस्टेंट हीलिंग भी मिलता है। फिर जो मुकोदा है वो सारे मशरूम को तोड़ने लगता है, और तभी सुई आकर मुकोदा से बोलता है क्या मैं भी इस मशरूम को खा सकता हूँ क्या। मुकोदा बोलता है कि हाँ खा सकते हो, लेकिन थोड़ा ही खाना। मुकोदा तो बहुत ही सारा मशरूम कलेक्ट कर लेता है, और तभी सुई जो है वो बहुत ही ज्यादा चमकने लगता है। इसमें मुकोदा बोलता है सुई तुम ठीक तो हो ना, जिसमें सुई बोलता है कि मुझे नहीं पता। तभी जो वो लाइट है वो चली जाती है। मुकोदा पूछता है तुम्हें दर्द तो नहीं हुआ ना, लेकिन जो सुई है वो तो उछलने लगता है। और यहीं पर जो मुकोदा है वो सुई के स्टैट को चेक करने लगता है, और उसे पता चलता है सुई के स्टैट में तो रिकवरी मेडिसिन क्रिएशन ऐड हो चुका है। इसके बारे में वो फेल से पूछता है। इसमें फेल बोलता है कि हो सकता है कि सुई ने काफी ज्यादा हीलिंग मशरूम खा लिया है, और वो ये भी बोलता है कि बहुत समय पहले मैंने एक स्लाइम को देखा था जो कि मेटल खा रहा था, और कुछ समय बाद वो एक मेटल स्लाइम में कन्वर्ट हो गया। इसमें फेल बोलता है ओ तो स्लाइम का खाने से भी स्किल को इम्प्रूव होता है। और फिर वो अपने मन में सोचता है मेडिसिन का स्किल तो बहुत ही ज्यादा काम में आएगा, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा स्किल है। इसके बाद मुकोदा सुई को उठाकर प्यार करने लगता है और बोलता है क्या तुम एक बार रिकवरी मेडिसिन स्किल ट्राई कर सकते हो। सुई बोलता है मैं कुछ समझा नहीं, लेकिन मैं एक कोशिश करता हूँ। फिर सुई उस स्किल को ट्राई करता है, लेकिन पहले तो उसको दर्द होता है, लेकिन बाद में वो उस स्किल को मास्टर कर लेता है। और वो मुकोदा को बोलता है देखिए मैं कैसे इसको प्रोड्यूस कर पा रहा हूँ। मुकोदा बोलता है कि रुको रुको मेरा कंटेनर कहाँ गया। फिर मुकोदा एक बोतल लेकर उस पोर्शन को कलेक्ट करने लगता है। फिर मुकोदा जब उस पोर्शन को अपने अप्रेजल स्किल की मदद से चेक करता है तो उसे पता चलता है इसमें तो हाई ग्रेड पोर्शन लिखा है, और वो सुई से पूछता है ये हाई ग्रेड पोर्शन क्या है। जिसमें सुई बताता है कि इससे बहुत ही ज्यादा खतरनाक से खतरनाक चोट भी ठीक हो सकता है, और मैं लो ग्रेड और मीडियम ग्रेड भी क्रिएट कर सकता हूँ। इसके बाद सुई तीनों पोशन को प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, और मुकोदा
तीनों को ही कलेक्ट कर लेता है। इसमें फिल बोलता है, मैंने आज तक बहुत सारा स्लाइम देखा है, लेकिन मैंने ऐसा स्लाइम नहीं देखा है कि जो कि रिकवरी मेडिसिन क्रिएट कर पाता हो। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि सुई एक स्पेशल वेरिएंट का स्लाइम है। इसके बाद मुकोदा सुई को बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। इसके बाद हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मुकोदा और फेल ग्रिफन की टेरिटरी में एंटर कर चुके होते हैं। तभी एक ग्रिफन उनके सामने आता है और मुकोदा उस ग्रिफन को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है, लेकिन वो तो फेल समा को इज्जत देता है और वो बोलता है, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है। और फेल बोलता है, एक ग्रिफन होकर तुम ह्यूमन लैंग्वेज बोल रहे हो, शायद तुम बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो। और यहीं पर एक ग्रिफन बोलता है, क्या आप मुझसे फाइट करेंगे, क्योंकि मुझे अपने फ्लॉक का लीडर बनना है, और अगर मैं आपसे फाइट कर लूंगा तो सब लोग मुझे लीडर मान लेंगे। फेल इसके बात को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन वो बोलता है, मैं तुम पर आसान बिल्कुल भी नहीं हूंगा। और ये लोग लड़ने वाले होते हैं, जिसके वजह से सुई और मुकोदा झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। और मुकोदा टेलीपैथी की मदद से फेल को बोलता है, तुम उस ग्रिफन को मारना मत। इसके बाद इन दोनों का फाइट शुरू हो जाता है। स्टार्टिंग में तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लड़ रहा होता है, लेकिन बाद में फेल के टोर्नेडो में ये जो ग्रिफन है ये फंस जाता है। और फेल का टोर्नेडो इतना ज्यादा खतरनाक होता है, इसके वजह से ग्रिफन का जो ब्लड है वो भी निकलना शुरू हो जाता है, जिस पर मुकोदा बोलता है, फेल तुम अब बस भी करोगे। और ये बात सुनने के बाद फेल रुक जाता है, जिसके वजह से वो ग्रिफन जमीन पर गिर जाता है। फिर मुकोदा फेल को बोलता है, मैंने तुमको बोला था ना कि इस ग्रिफन को मत मारना। और वही फेल बोलता है, मैंने भी तुमको बोला था कि मैं आसान नहीं जाऊंगा। फिर मुकोदा सुई के रिकवरी पोशन के साथ इस ग्रिफन को ठीक कर देता है। ठीक होने के बाद एक ग्रिफन बोलता है, मैं तो फेल समा को थोड़ी सी भी खरोच भी नहीं दे पाया। लेकिन मुकोदा बोलता है, अरे ऐसी बात नहीं है, देखो फेल के पैर में भी चोट आई है। ये सुनने के बाद फेल बोलता है, ये बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, लेकिन हाँ। और ये देखने के बाद वो ग्रिफिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके वजह से सारे ग्रिफिन उसके पास आ जाते हैं। और वो फेल को बोलता है, इन लोगों ने मुझे लीडर मान लिया, इसलिए मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ फेल समा। फिर वो ग्रिफिन मुकोदा को एक पंख देता है और बोलता है, जब तक तुम इस टेरिटरी में रहोगे और तुम्हारे पास ये पंख होगा, तब तक तुम्हें कोई भी नहीं खाएगा। और ये सुनने के बाद मुकोदा अपने मन में बोलता है, मतलब ये लोग इंसान खाते है। देन अगले सीन में रात हो जाती है और मुकोदा खाना बनाना शुरू कर देता है, और यही पर ही वो ऑर्क का मीट बनाता है, और ये मीट भी फेल को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। फिर मुकोदा भी उस मीट को ट्राई करता है और उसे भी ये मीट काफी ज्यादा पसंद आता है। एक बार खाने के बाद सुई और फेल फिर से मुकोदा से खाना मांगते है, और मुकोदा जो है वो फिर से ऑर्क का मीट बनाता है। ओई फेल मुकोदा को बोलता है, तुमने निर्डर समा को वो ऑफरिंग किया है या नहीं। और ये सुनने के बाद मुकोदा बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, मैं तो भूल गया। फेल बोलता है, देखा तुम कितने ज्यादा अनग्रेटफुल हो, जल्दी से जल्दी उनको ऑफरिंग करो। और फिर फाइनली ये लोग जंगल से बाहर आ जाते हैं, और जिसके वजह से मुकोदा काफी ज्यादा खुश होता है। फिर मुकोदा मैप देखने लगता है और बोलता है, अगर हम जल्दी नहीं जाएंगे तो हमारा मीट भी खत्म हो जाएगा, हमें उस रोड से ट्रेवल करना है जिस रोड पर ह्यूमन है। और ये सुनने के बाद फेल बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाता है और बोलता है, क्या मीट खत्म होने वाला है, ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। इसके बाद वो बहुत ही तेजी से भागने लग जाता है ह्यूमन रोड में पहुंचने के लिए, पर फेल रुक जाता है और वो मुकोदा को बोलता है, मुकोदा उधर देखो। और मुकोदा बोलता है, उधर तो मुझे ह्यूमंस दिख रहे हैं। फिर फेल मुकोदा को बोलता है, शायद उन ह्यूमंस के ऊपर बैंडिट ने हमला कर दिया है। इसमें मुकोदा बोलता है, तुम उन लोगों को बचा लो, बदले में आज रात में तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा टेस्टी खाना बनाऊंगा। और फिर फेल बोलता है, तुम ये बात भूलना नहीं। और फिर वो भाग के उन ह्यूमंस के पास चले जाता है। फिर वही हमें बैंडिट्स और ह्यूमन का लड़ाई दिखाया जा रहा होता है। फिर दौड़ते हुए फेल सुई को बोलता है, तुम जल्दी से मुकोदा के कान को ढक दो। और सुई भी मुकोदा के कान को ढक देता है। फिर फेल एक ऊंची जगह पर जाकर बहुत ही जोर से घुर्राता है और वो इन बैंडिट्स को बोलता है, अगर तुम लोगों ने एक कदम भी बढ़ाया तो मैं तुम लोगों को कच्चा चिबा जाऊंगा, और अगर तुम मेरे बात को समझ रहे हो तो अपने सारे वेपन्स को गिरा दो। और वो बैंडिट्स भी ऐसे करते है, वो अपने सारे वेपन को नीचे रख देते है। फिर इन बैंडिट्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर इन ह्यूमंस का जो लीडर होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो मुकोदा को शुक्रिया अदा करता है उन्हें बचाने के लिए। और इस ह्यूमन के साथ जो स्क्वाड पार्टी रहता है उनका नाम फिनिक्स होता है। फिर ये लीडर मुकोदा से बोलता है, क्या ये तुम्हारा फैमिलियर है। और मुकोदा बोलता है कि हाँ। ये सुनने के बाद वो फिनिक्स पार्टी के लोग बोलते हैं, मतलब कि और ह्यूमर सही है कि एक एडवेंचरर ने एक फ्रेंडिट को फैमिलियर बनाया है। फिर मुकोदा उनसे पूछता है, आप लोग जा कर रहे हो। वो लीडर बोलता है कि हम लोग कारेलिना जा रहे हैं। फिर मुकोदा बोलता है कि मैं यहाँ पर अभी अभी आया हूँ, क्या मैं तुम लोगों के साथ जा सकता हूँ। जिसमें वो लीडर बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अगर आप मेरे साथ आएंगे तो हमें और भी ज्यादा प्रोटेक्टिव फील होगा। इसके बाद ये लोग सिटी के लिए साथ निकल जाते हैं। इसके बाद हमें निर्डर गॉडेस को दिखाया जाता है और वो बोलती है, एक हफ्ते से ज्यादा हो गया लेकिन उसने अभी तक ऑफरिंग नहीं किया। और यही पर मुकोदा प्रे करने लगता है और निर्डर समा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है, तुमने भगवान को समझ कर क्या रखा है। इसमें मुकोदा बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि मैं बहुत ज्यादा परेशानी में था। इसमें निर्डर गॉडेस बोलती है कि तुम मुझे समझते क्या हो, मुझे पता है तुम सिर्फ भूल गए थे। इसके बाद मुकोदा बहुत ही ज्यादा माफी मांगता है और बोलता है, आपके लिए आज बहुत ही ज्यादा स्पेशल स्वीट्स है, और ये वेस्टर्न स्वीट्स है। और स्वीट्स को देखकर निर्डर समा का सारा गुस्सा
खत्म हो जाता है। लेकिन वो बोलती है अगली बार से तुम भूलना मत और अगली बार भी तुम मुझे यही स्वीट्स देना। और इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।